स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू क्लास 9, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1, द स्टूडियो विलेज पालमपुर. टिल नाउ आई एक्सप्लेन द नोट्स एंड देन टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट गिवन इन योर बुक बट वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. सो वेरी फर्स्ट इज लैंड, बिकॉज हमें फैक्ट्री डालनी है तो हमें जगह चाहिए होगी. सेकंड इज लेबर. ऐसा है नहीं कि हम सारा काम खुद कर लेंगे, हमें अपने सबोर्डिनेट्स चाहिए होंगे. ओके, थर्ड इज कैपिटल, एंड कैपिटल कैन बी वर्किंग प्लस फिक्स्ड बोथ. वर्किंग कैपिटल जो डे बाय डे के अपने एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए, एंड फिक्स कैपिटल जो हमें बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है. लॉन्ग टर्म के लिए हम जो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सब इसमें आएगा. एंड द फोर्थ इज़ योर लाइक ह्यूमन रिसोर्स, और इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं. लाइक रिस्क लेने की जो आपकी एबिलिटी है या जो आपकी हैबिट है वो इसमें इंक्लूड की जाती है. एज अ पर्सन आप अपने माइंड का कितना यूज़ करते हो, इस माइंड को यूज़ करके अपने बिजनेस में या अपने प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ करते हो, वो सब इसमें आता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लिमिटेशन विद लैंड एज अ रिसोर्स. लैंड इज़ फिक्स्ड, दिस इज द ओनली लिमिटेशन विद लैंड एज अ रिसोर्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सम वेज थ्रू आउट विच इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स रिसोर्स लैंड. अब देखो, हमारे पास लैंड तो फिक्स होती है, अब उससे हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है. प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ करना है? बिकॉज हमारी जो नीड्स होती हैं, उन वो नीड्स जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो बहुत सारी होती हैं. लाइक अगर एक हमारी नीड जो है वो फुलफिल होती है, देन दूसरी नीड इन्वर्ज हो जाती है. ओके, तो बेसिकली हमें रुपीज़ चाहिए होते हैं, इनकम चाहिए होते हैं, तो हमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. और उसको इंक्रीज़ करने के मैंने आपको टू मेथड्स बताए थे. द वेरी फर्स्ट इज़ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं. ओके, एंड पहला मैंने आपको ये बताया था, एंड सेकंड आपको मैंने ये बताया था कि आप मल्टी क्रॉपिंग करते हो, लाइक एक ही खेत में एक ही साल में 2 और 3 फसल्स ले रहे हो, तो वो आपका क्या है, मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मल्टी क्रॉपिंग. लाइक आई टोल्ड यू हियर दैट आप एक ईयर एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से 2 और 3 टाइप की वेरियस क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो. लाइक कभी वीट, रेनी सीजन में वीट ले रहे हो, उसके बाद आप टमाटोज एंड सम लाइक वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हो, राइस, लाइक इस तरह से. नेक्स्ट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन. हाँ जी, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, 1960 में आया था ये. ओके, और इसमें हमने क्या किया था, HYV सीड्स का यूज़ किया था, किसके लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, तो ये सब इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड. ये भी मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन किया था. ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, अब हमारे खेत में जितना भी क्रॉप हुई है उसका एक हिस्सा हम रख लेते थे, स्टोर कर लेते थे, नेक्स्ट ईयर उसको अपन एज अ सीड यूज़ करते थे. फर्स्ट इज़ सेकंड हम क्या करते थे, ये जो ट्रेडिशनली ये जो है लाइक हाँ, और HYV सीड्स में हम क्या करते हैं, हम जाके मार्केट से परचेज करते हैं HYV सीड्स. ओके, अब ये जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे इसमें हमें इरीगेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी. ओके, और HYV सीड्स में हमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है. लाइक हमें ट्यूबवेल्स और पंप सेट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं होती है. ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, एज अ फर्टिलाइज़र काउ डंग का यूज़ करते थे, अब इसमें यहाँ हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ HYV सीड्स ऑन और ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन लैंड. हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं, HYV सीड्स जो हैं उससे हम HYV सीड्स से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट तो क्या है, इससे फार्मर्स का एक्सपेंसेस बढ़ा है बिकॉज ये परचेस करने पड़ते हैं. सेकंड क्या है, इसमें इरीगेशन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें वाटर एज अ रिसोर्स हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. वाटर हम एज अ रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हमें ट्यूबवेल्स चाहिए होंगे, और ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को डिक्रीज़ करते हैं.
थर्ड इज़ हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है चौवी सीड्स में। फर्स्ट हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स परचेज करने पड़ेंगे, प्लस केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं वो सॉइल में बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं। इट मीन्स वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन तो दे देते हैं प्लांट को, बट उसके उनके जो जो मीन्स कुछ जो लाइक बट ये न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करवा देते हैं बट सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हार्म करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। प्लस क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में जाके सॉइल में जाके ग्राउंड वाटर जो होता है उसको भी पोल्यूट करते हैं। सो ग्राउंड वाटर और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, ये सब क्या होता है, एक ईयर्स का रिजल्ट होता है। बहुत सारे सारे सालों तक ये एक प्रोसेस बनती है, उससे ग्राउंड वाटर इंक्रीज़ होता है और जो अपनी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, या फिर उसे मेंटेन रखने के लिए और मेंटेन रखने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। एंड इनकम के लिए, इनकम और प्रोडक्शन का एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लाइक कि आपको डेवलपमेंट करना है, अपनी प्रोडक्शन और जो इनकम है उसे इंक्रीज करना है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस आपको नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं करना है, उसे प्रिजर्व करना है ताकि आने वाली जनरेशन उसका सही यूज़ कर पाए। नेक्स्ट इज हाउ लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये भी मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। कुछ लोगों के पास तो ज़मीन है ही नहीं, कुछ के पास बहुत ही छोटा हिस्सा है और कुछ के पास बहुत ही बड़ी ज़मीन है। नेक्स्ट, वॉट इज़ द सोर्स ऑफ लेबर इन पालमपुर। ओके, लेबर का क्या सोर्स है पालमपुर में, लाइक जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्रॉपिंग कर लेते हैं। बट जो बड़े फार्मर्स हैं वो फार्मर्स क्या करते हैं, वो लेबर्स को हायर करते हैं अपनी फील्ड में काम करने के लिए। अब ये फार्मर्स कौन होते हैं, ये फार्मर्स या तो होंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है, या फिर छोटे स्मॉल फार्मर्स होंगे जो अपने खेत में काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है उसमें वो दूसरे खेतों में काम करते हैं। सो इस तरह से लेबर आता है, सोर्स का ये लेबर का यही सोर्स है। हाउ फार्मर्स अरेंज द कैपिटल फॉर फार्मिंग। अगेन, आपको क्या करना है, हर चीज़ लेबर हो या कैपिटल हो, आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कैसे अरेंज करेंगे और जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है वो कहाँ से करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और वो लोन कहाँ से, बैंक से भी ले सकते हैं और अपने गाँव में किसी बड़े साहूकार टाइप लैंडलॉर्ड से या उनसे भी ले सकते हैं, है ना। और जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कैपिटल की एक्स्ट्रा लेने की, उनकी अपने पास सेविंग्स होती हैं और इस सेविंग से वो लेबर भी ले लेते हैं और प्लस अपनी कैपिटल की नीड भी पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस आपको बताया था, सरप्लस कैन बी इन क्रॉप और कैन बी इन रुपीस, किसी भी तरह से हो सकता है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ, लाइक आपने खेत में क्रॉपिंग की कल्टीवेट किया और उससे आपको प्रोडक्शन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका एक हिस्सा आपने अपनी नीड्स के लिए, अपने कंजप्शन के लिए घर पर रख लिया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वही सरप्लस है जिसे हम बाहर जाके मार्केट में सेल आउट करते हैं और जिससे हमारी इनकम होती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, लाइक वेरी फर्स्ट इज डेयरी। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, अपने घर पे एनिमल्स को रखते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, उससे फिर दूध प्रोड्यूस करते हैं, दूध बेचते हैं, दूध को सेल करते हैं, प्लस दही, लस्सी, छाछ, ये सब भी आसपास की सिटीज़ में या टाउन्स में सेल आउट करते हैं, प्लस बचे हुए जो मिल्क है उससे प्रोडक्शन करते हैं, लाइक चीज़, बटर का और डेयरी वाले चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सेकंड क्या था, शॉपकीपिंग। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी शॉप्स रखते हैं, उनमें डेली ज़रूरत का सामान जो होता है छोटा मोटा वो रखते हैं। ओके, और उसी में आपने एक एग्जांपल देखा था कि एक कंप्यूटर सेंटर भी रन किया जा रहा है ना। नेक्स्ट था आपका ट्रांसपोर्ट। एज अ ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट से मीनो ट्रांसपोर्ट मीन से वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या लाइवलीहुड का मीन गेन कर रहे हैं।
क्या करते हैं वो अपने पास बफेलोज रखते हैं, उससे वो क्या करते हैं, एक तो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, प्लस वो क्या करते हैं उससे ट्रांसफॉर्मिंग का काम करते हैं, ट्रांसफर चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं। बिकॉज पालमपुर क्या है, पालमपुर इज़ अ काइंड ऑफ विलेज जो कि आसपास की सिटीज से, टाउन से वेल कनेक्टेड है रोड से। ओके, सो दीज आर द वेरियस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और इन सब के आंसर्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, यहाँ मैंने अभी फिर से एक्सप्लेन किया है, प्लस इन सब के आंसर्स आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए उसमें मिल जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप नेक्स्ट 10th में जाओगे देन आपको वहाँ इन सब चीज़ों का जो बेस है, ये जो स्टोरी लाइक आपको जो दी गई है बुक में, इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये सब पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।